क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आज पूरा भारत शोकाकुल है, हर तरफ उदासी का माहौल छाया हुआ है। राजनीतिक गलियारे में मास्टर नेता कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव काफी लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे। अपनी बीमारी के चलते मुलायम सिंह ने आज प्राण त्याग दिए। वो हम सभी को छोड़कर इस दुनिया से अलविदा हो गए। देश प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है ये, जिसमें देश के प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह खुद बिनाता अस्पताल पहुंचे और उन्होंने वहां पर शोक व्यक्त किया है। साथ में राजनाथ सिंह, सीएम योगी ने खुद इस पर गहरा शोक प्रकट किया और प्रदेश प्रदेश के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने भी अपना मुलायम सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। हमारे साथ जम्मू कश्मीर से अब्दुल गफ्फार सोफी, पीडीपी नेता, जुड़ चुके हैं। अब्दुल जी, पूरे देश के लिए शोक की बात है कि आज मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं है। यादव जी बहुत ही एक सदी समाजवाद के एक बड़े युग का अंत हुआ है आज। मुलायम सिंह यादव जी बहुत ही कद्दावर नेता थे और समाज के हर एक तबके से जुड़े हुए आदमी थे। उन्होंने मुल्क की और रियासत यूपी की बहुत खिदमत की है और एक उनमें एक खसूसियत थी कि वो हर तबके को साथ लेकर चलने वाले आदमी थे। मेरे ख्याल से उनका जो रोल रहा है जिंदगी भर, वो हम सब के लिए एक मसले रहा है और हमें उनके जो अच्छे काम है उनको लेकर आगे चलना चाहिए। मुल्क में पहले के डिफेंस मिनिस्टर जो उन्होंने काम किया मुल्क को मजबूत करने के लिए, मेरे ख्याल से तवारीख में उनका एक अहम मुकाम होगा, एक अहम नाम रहेगा उस हिसाब में। वैसे के वजीर आला यूपी में उसने समाज के हर तबके को इंसाफ दिया और यूपी को आगे लेना ले जाने में अपना बहुत ही एक अहम रोल अदा किया। हम ऐसे नेता को दोबारा नहीं पा सकते हैं। एक बहुत ही अहम जगह खाली हो चुकी है, इसको पूर्ण करना बहुत ही नामुमकिन है, लेकिन हम भगवान से, अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि उसको अपने पास अच्छी जगह दे। अपने और बाकी जो उनका परिवार है उनके साथ भी हम उनके गम में पूरे शरीक हैं, उनके गम में शरीक हैं और यूपी के आवाम के साथ बिलखसूस हम हमदर्दी का इजहार करते हैं। मुल्क ने बहुत ही एक कदावर आदमी को खोया है। अब्दुल जी, आपके क्या मुलायम सिंह यादव के साथ कुछ चंद मुलाकातें जो हुई हैं उनको आप साझा करना चाहेंगे? देखिए, जो उनके साथ मेरी मुलाकातें हुई हैं, उनके साथ बैठकर इंसान को सबक सीखने को मिलता था, बहुत कुछ सीखने को मिलता था। उनके अंदर अल्लाह ने ऐसी नियामत अता की थी कि वो अपनी बातों से इंसान को कायल कर देते थे। हमें उनसे बहुत सीख मिली है और वो उनका एक ही कहना था कि जब आप इस मैदान में आए हो तो लोगों के दुख सुख का ख्याल रखो और उस दुख सुख में उनका शरीक हो बराबर। जी हाँ, अब्दुल जी बहुत ही जमीनी नेता थे और छोटे से बड़ा कार्यकर्ता तक उनका बड़ा सम्मान करता था और वो खुद भी अपने सभी पदाधिकारी और छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को नाम से और फेस से पहचानते थे। बुनियादी तौर मुलायम सिंह यादव जी खुद जमीन से उठकर पैदा हुए हैं और जमीन से उठकर वो हर एक जाति में पैदा हुए। उनका जो सफर था, सियासी सफर, वो निचली सतह से शुरू हुआ था। वो ऊपर छत से नहीं आए थे, वो निचली सतह से शुरू हुए थे और उसको हर एक गरीब की, हर एक अमीर की, हर एक मिडिल तबके के आदमी के जरूरत का और उनके जरूरत का ख्याल रहता था कि इनकी जरूरत क्या है। लेकिन एक बात मैं बताऊंगा, एक तो उन्होंने हर एक तबके की खिदमत की, लेकिन मुल्क के विकार और मुल्क के जो मुल्क का जो अपना मुकाम था उसके साथ कोई कंप्रोमाइज उसने नहीं किया। कहीं आपको कहीं भी ऐसा जुम्बिश नहीं मिलेगी कि उन्होंने कभी मुल्क के विकार के खिलाफ काम किया होगा। अब्दुल गफ्फार जी, सपा संरक्षण मुलायम सिंह यादव के निधन को लेकर आप कितनी बड़ी क्षति देश के लिए से मानते हैं? देखिए, मैं ये बात बोलता हूँ, मुलायम सिंह यादव का जो देहांत हुआ है,
इसको पूर्ण करना बहुत ही मुश्किल है। और आजकल के जमाने में ऐसे नेता उठना और ऐसे नेता पैदा होना बहुत ही मुश्किल है। हमारे मुल्क को काफी नुकसान हुआ है मुलायम सिंह जी यादव के ध्यान से। जी अब्दुल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुलायम सिंह यादव जी का